खून भराता लाल टमाटर, मस्त बनाता लाल टमाटर, टमाटर टमाटर हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर टमाटर। हाँ टमाटर बड़ा मजेदार, ओह टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, ओह टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, ओह टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। बिल्ली को भी मार भगाया, बिल्ली को भी मार भगाया। आ टमाटर बड़ा मजेदार, ओ टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन इसको गुल्लू ने खाया, मम्मा का सारा काम कराया, एक दिन इसको गुल्लू ने खाया, मम्मा का सारा काम कराया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, ओ टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, हो टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, हो टमाटर बड़ा मजेदार। गाइज ये तो था फन वे गुल्लू को टमाटो के बेनिफिट्स बताने का, बट इसके अलावा भी टमाटो के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक टमाटो में होता है लाइकोपिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी वजह से टमाटर का रंग लाल होता है, और ये लाइकोपिन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्किन को यंग रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, विजन के लिए भी अच्छा है, और स्टडीज़ कहती हैं कि लाइकोपिन मसूड़ों यानी गम डिजीज़ से बचाने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ टमाटर में होता है विटामिन ए सी एंड ई, पोटेशियम एंड फाइबर्स। और आज हम इसी सुपर वेजी के साथ बनाने वाले हैं एक सूप, जिसे सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं बल्कि आपके गेस्ट भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और साथ ही हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पाइसी चटनी। हम बनाने वाले टमाटो कॉर्न सूप, और सूप बनाने के लिए हमें चाहिए मक्खन, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, टमाटो सॉस, बारीक कटा हुआ धनिया, शुगर, बारीक कटे हुए 6 से 7 टमाटर, उबले हुए थोड़े से कॉर्न, बारीक कुटी हुई काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लावर और क्रीम। सबसे पहले हम बटर को कढ़ाई में डालेंगे और साथ ही साथ लहसुन और अदरक इन दोनों को डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट अदरक इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। इन दोनों को मक्खन में फ्राई होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड टमाटोज। टमाटोज को भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटोज का ये भुना हुआ फ्लेवर सूप को बहुत टेस्टी बनाता है। टमाटोज को प्रेशर कुकर में बॉईल करके भी सूप बनाया जाता है, लेकिन मुझे वो फ्लेवर पसंद नहीं है, और हम लोग इस तरह से सूप बनाते हैं, और जो मुझे और गुल्लू को बहुत 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 पसंद है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटो सॉस। हरा धनिया, जिसमें पत्तों के साथ साथ उसकी डंडी भी है, यानी मैंने स्टेम के साथ उसको कट किया है, क्योंकि जो धनिए का फ्लेवर है जब हम स्टैम के साथ उसको कट करके डालते हैं तो बहुत अच्छा आता है। शुगर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, वो भी स्वाद के अनुसार। फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर हमारे टम्मी के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसमें ऐड करेंगे वाटर लगभग 1 कप।
अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट उबलने देंगे। बस थोड़ा सा और इंतजार और हमारा टेस्टी टेस्टी सूप बनने वाला है। एंड बिलीव मी, ये सूप ट्राई करने के बाद आप रेडीमेड सूप्स जो पैकेट्स में आते हैं उनको बनाना अवॉइड करेंगे। अब हम इसे सूप छानने वाली छलनी से छान लेंगे। वाओ मम्मा, सो ब्यूटीफुल कलर। रियली बेटा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कलर। अब हम इसे दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ घोलकर इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर सूप को गाढ़ा बनाता है, लेकिन अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है और आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो भी सूप बहुत टेस्टी ही बनने वाला है। कॉर्नफ्लावर की जगह आटे या मैदे को अगर थोड़े से मक्खन में भून लिया जाए और फिर उस स्लरी को इसमें ऐड किया जाए, उससे भी सूप जो है वो ठीक हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए कॉर्न। क्रीम एंड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। एंड फाइनली आवर यम्मी टेस्टी टोमेटो एंड कॉर्न सूप इज रेडी टू सर्व। और अब हम बनाएंगे बहुत ही स्पाइसी एंड यम्मी चटनी। किसके लिए? मामी के लिए। टमाटर सूप छानने के बाद जो टमाटर छलनी में बचता है मैं उसे कभी फेंकती नहीं हूँ, बल्कि मैं उससे बनाती हूँ यम्मी एंड स्पाइसी चटनी। उसके लिए बचे हुए टमाटर में आपको ऐड करना है 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 कटे हुए टमाटर। साथ में ऐड करेंगे धनिया, जिसमें कि धनिया की जो डंडी है वो ज़्यादा होना चाहिए, जिससे उस चटनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है धनिया का। अब इन सबको मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लेंगे। पैन में थोड़ा सा घी या फिर ऑयल डालकर इस मिक्सचर को, इस पेस्ट को उसमें डाल दीजिए और अच्छे से 5 से 7 मिनट तक भूनिए। अब इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये स्पाइसी चटनी अच्छे से भुन गई है और अब इसे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। टमाटो की स्पाइसी चटनी परांठों के साथ, ब्रेड के साथ, सैंडविचेस में और किसके साथ अच्छी लगती है? रोटी। रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसी को कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। मतलब हमने सूप भी बनाया और सूप के बचे हुए टमाटो से चटनी भी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी एंड आपके बच्चों को और आपके गेस्ट को, सबको ये टमाटो सूप बहुत पसंद आने वाला है ना? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।